Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are here with the part 2nd of the chapter Freedom. In the last class we have discussed the introductory part. Right? We have discussed the introductory part, that what is the meaning of freedom. And in the context of that we have understood the description of Nelson Mandela's ideas also. We have discussed few of the conceptual thing related to his autobiography, and I hope that is completely clear to all of you. And today we are going to discuss the ideas of one more thinker, one more philosopher you can consider, one more freedom fighter you can consider, right? That is Aung San Suu Kyi. So let us start now. I hope first part is clear to all of you. So let us start from today's class. Now take another case. Nelson Mandela ka case aap logon ne padha. 28 years अपने यूथ टाइम पीरियड के उनको कहाँ स्पेंड करने पड़े, इन द प्रिजन ओनली. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर केस. अब देखो, गांधी जी थॉट ऑन नॉन वायलेंस हैव बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर आंग सान सू की एज शी रिमेन अंडर हाउस अरेस्ट इन म्यांमार. अब देखो क्या हुआ, महात्मा गांधी के आइडियल्स आप सभी ने पढ़े होंगे, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, अहिंसा, है ना. तो बेसिकली नॉन वायलेंस क्या, नॉन वायलेंस वो क्या बोलते हैं, नॉन वायलेंस इट्स अ टूल ऑफ दोज पीपल हु आर वेरी पावरफुल, बिकॉज अ कॉवर्ड पर्सन कैन नॉट यूज इट, राइट. नॉन वायलेंस यू विल हैव टू, बिकॉज ही सेज दैट इफ योर गोल इज फाइन ना, इफ योर गोल इज गुड, देन देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ यूजिंग एनी काइंड ऑफ वायलेंस, राइट. सो दोज आइडिया पुट ग्रेट इम्पैक्ट ओवर दिस लेडी आंग सान सू की, और उनके ऊपर जो आइडियाज का इंपैक्ट था दैट वाज ऑफ महात्मा गांधी. और इसीलिए बिकॉज शी वाज आल्सो एक्सप्लेनिंग हर व्यूज, शी वाज आल्सो डिस्क्राइबिंग एक्सप्रेसिंग हर व्यूज ओवर द टॉपिक नॉन वायलेंस, फ्रीडम, ऑन दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स. एंड अब गवर्नमेंट तो टॉलरेट नहीं करेगी, है ना. तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने उनको होम अरेस्ट, हाउस अरेस्ट में रख दिया म्यांमार में, सेपरेटेड फ्रॉम हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों से भी अलग कर दिया उनको. अनेबल टू विजिट हर हस्बैंड व्हेन ही वाज डाइंग ऑफ कैंसर, एंड इवन देन शी हैज सैक्रिफाइज्ड दैट कि उनके हस्बैंड को कैंसर हो गया, राइट. और अब क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ था, उनको होम अरेस्ट पे रखा हुआ था, हाउस अरेस्ट पे रखा हुआ था, शी वॉज नॉट एबल टू मीट विद हर हस्बैंड ऑल्सो. वाई, बिकॉज, और वो कैंसर से डाई कर रहे थे उस टाइम पे. Because she feared that if she left Myanmar to visit him in England, she would not be able to return. क्योंकि उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि वो अगर कुछ ना कहीं कहीं ना कहीं जो म्यांमार के रिप्रेजेंटेटिव उनके अगेंस्ट बोल रही थी, तो ऑफकोर्स उनके दिमाग में यही था कि अगर वो एक बार म्यांमार से बाहर चली गई तो म्यांमार के रिप्रेजेंटेटिव कभी उनको आने नहीं देंगे सोसाइटी में वापस. और इसी वजह से उन्होंने क्या किया कि उनके हस्बैंड जब यू कैन से लास्ट टाइम स्पेंड कर रहे थे लाइफ का, इवन देन शी डिड नॉट गो टू मीट हिम, क्योंकि उनके दिमाग में यही फियर था कि अगर वो गई तो वापस नहीं आ पाएंगे और फिर फ्रीडम का जो वो स्ट्रगल कर रही है ना, वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगा, राइट. आंग सान सू की सो हर फ्रीडम एज कनेक्टेड टू द फ्रीडम ऑफ हर पीपल. अब देखो, अगर उनको ये लगता कि अगर उनकी ही फ्रीडम का कंसर्न है तो मे बी शी मस्ट हैव गॉन, बट उन्होंने क्या फील किया कि जो फ्रीडम है ना मेरा कंटेक्स्ट है, इट इज नॉट माइन कंटेक्स्ट ओनली, ये सारे के सारे लोगों का कंटेक्स्ट है. अब देखो, जैसे हम लोग बोल देते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उन्होंने क्यों हंसते हंसते वो चीजें टॉलरेट कर ली, इतना ब्रिटिशर्स की क्रुएलिटी को टॉलरेट कर लिया, बिकॉज दे वर एबल टू थिंक कि अगर हम तीन लोग जा रहे हैं तो हमारी कंट्री सर्वाइव हो जाएगी, राइट. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे टॉलरेटेड एवरीथिंग, और अपनी लाइफ को भी मतलब हंसते हंसते उन्होंने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया. सो दीज आर दी, यू कैन से दीज आर दी वर्क्स ऑफ द ग्रेटर पर्सनैलिटी, ओनली ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी यू कैन से, राइट. फिर हर बुक ऑफ एसे बियर्स द टाइटल फ्रीडम फ्रॉम फियर. अब देखो, टू ऑटोबायोग्राफी स्पेशली यू हैव अंडरस्टूड, राइट. आप लोगों ने लास्ट में पढ़ा था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वो किनकी बुक थी, नेल्सन मंडेला की. अब फ्रीडम फ्रॉम फियर ये किनकी बुक है, ये बुक है आंग सान सू की, राइट. और इसमें वो क्या बोलती है, शी सेज फॉर मी रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फियर. अब देखो, उनके दिमाग में जो फियर चल रहा था कि अगर मैं चली गई तो मेरे को वापस म्यांमार नहीं आने दिया जाएगा, है ना, वो अपने हस्बैंड से नहीं मिलने गई इसी डर में, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, व्हाट इज फ्रीडम. शी इज सेइंग कि मेरे अकॉर्डिंग फ्रीडम क्या है, कि जब आप अपने फियर से फ्री हो जाते हो, आपके दिमाग में कोई डर नहीं होता, उस फ्रीडम से फ्री होना, दैट इज द फ्रीडम,
कि आपके दिमाग में कोई, आपके दिमाग में कोई डर नहीं है, राइट? एंड अनलेस यू कैन लिव फ्री फ्रॉम फियर, यू कैन नॉट लिव अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ. और वो हमेशा यही बोलती हैं कि जरूरी नहीं कि आप लाइफ जी रहे हो, तो वो इंपॉर्टेंट है. देखो क्या कि अगर आप फियर से फ्री नहीं हो ना, तो आप चाहे लाइफ जी भी रहे हो ना, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो डिग्निफाइड लाइफ नहीं है, रिस्पेक्टेड लाइफ नहीं है. जब तक आपके दिमाग में फियर है ना, यू विल नेवर बी एबल टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपके माइंड के फियर को कहीं ना कहीं बाहर करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू आंग सान सू की. समझा? सो अकॉर्डिंग टू, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है. क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, राइट डाउन द आइडियाज ऑफ फ्रीडम विच वर गिवन बाय आंग सान सू की इन द बुक पीपल फ्रॉम फ्रीडम फ्रॉम फियर. देन यू विल हैव टू एक्सप्लेन दैट अकॉर्डिंग टू हर व्हाट इज द मियर रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम. You can say she is saying that when you are free from your fear, that is the freedom, right? Because unless and until you are not free, you will not be able to live dignified life, right? These are deep thoughts that led us to pause and consider their implications. और यही अब फिर आप लोग सोचते हो कि क्या है फिर एक्चुअल में, इतना डीप कंसेप्ट है, इन्होंने कितनी डीप बात बोल दी है ना, कि आप लाइफ जी भी लोगे तो डिग्निफाइड लाइफ नहीं होगी विदाउट फ्रीडम. तो फिर आप लोगों के दिमाग में क्या चीजें चलती हैं, ये आपको लीड करती हैं रुक जाने के लिए, आपको दोबारा से रिकंसीडर करने के लिए, रीएग्जामिन करने के लिए चीजों को. गेटिंग माय पॉइंट? वी मस्ट नॉट, हर वर्ड सजेस्ट, बी अफ्रेड ऑफ द ओपिनियंस ऑफ अदर पीपल और द एटीट्यूड ऑफ अथॉरिटी और द रिएक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर कम्युनिटी टू द थिंग वी वांट टू डू, ऑफ द रिडिक्यूल ऑफ आवर पीयर्स और ऑफ स्पीकिंग आवर माइंड्स. मतलब अब देखो क्या कर रहे हैं, उनके वर्ड्स में क्या है, हमें नहीं, बिल्कुल भी हमें नहीं अफ्रेड होना है. क्या नहीं, किससे? ओपिनियन ऑफ अदर पीपल. कि देखो हम लोग हमेशा, हमारे दिमाग में यही चलता है ना कि दूसरे लोग क्या बोलेंगे, है ना? मतलब लोग तो बोलेंगे, है ना, वो बात है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. बट इवन देन हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाली चीज होती है वो यही होती है, व्हाट अदर पीपल विल से टू अस इफ वी विल डू दैट थिंग. If we will take humanities, तो हमारे relatives क्या बोलेंगे? हमारे relatives बोलेंगे that girl was intelligent, boy was intelligent, then why he or she has opted for humanities? वही, क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, right? तो वही कि आप लोगों को दूसरों के क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, उससे अफ्रेड होना छोड़ दो. Authority, हमारी government अगर हमें repress करने की कोशिश करी, उसका क्या attitude है? Do not afraid of that. भाई democracy है हमारी country में, तो हम तो अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चलाते, रूल्स रेगुलेशन हमारे अकॉर्डिंग मोल्ड होने चाहिए. सो डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ दैट अथॉरिटी ऑल्सो. अगर वो अथॉरिटी पॉजिटिव नहीं है, तो अगर वो आपकी फ्रीडम को कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट कर रही है, तो राइट, और ऑफ द रेस्ट्रेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर कम्युनिटी. हमारी कम्युनिटी के कुछ लोग होते हैं जो हम पर रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड यू द एग्जाम्पल ऑफ अनटचेबिलिटी, जिसमें लोगों को ऐसे हार्श ट्रीट किया जा रहा था दैट दे वर नॉट द पार्ट ऑफ द सोसाइटी. So do not be afraid of that thing. कि क्या reaction होने वाला है society के लोगों का, right? Or of the ridicule of our peers, आपके साथ ही क्या बोलेंगे उस चीज के बारे में. Or of speaking our mind, कि हम क्या बोलेंगे, क्या हमारे दिमाग में क्या चलेगा, वो सारी चीजों से free हो जाओ. क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा हमारा mind होता है, when it is not our control, when it is not in our hands, not in our control. तो आप हमेशा, आप क्या सोचते हो, हमेशा दूसरों के आइडिया से आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो. एंड व्हाट इज फ्रीडम? टू बी फ्री फ्रॉम ऑल दीज काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग्स व्हिच आर नॉट यूजफुल, राइट? क्योंकि पीपल हमेशा लैग पुलिंग करेंगे, दे विल ड्रैग यू डाउन ओनली. क्या रिएक्शन होने वाला, डू नॉट थिंक अबाउट दैट. डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द अथॉरिटी, नॉट बी अफ्रेड ऑफ द ओपिनियन ऑफ अदर पीपल दैट व्हाट दे विल थिंक अबाउट यू. यू आर हैविंग योर ओन आइडेंटिटी ना, देन व्हाई आर यू अफ्रेडिंग ऑफ दोज पीपल, what they are giving to you. She is saying that thing, right? अगर आप ऐसी सारी चीजों को feel करते हो, then of course you are free, of course you are able to enjoy freedom. और वही है actual freedom according to Aung San Suu Kyi, कि जब आप इन सारे के सारे negative thoughts को छोड़ के जब आप खुद को feel करते हो, right? वही आपकी freedom. Yet we find that we often exhibit such fear. फिर भी हम लोग, देखो वी ऑल नो दैट दीज थिंग्स आर नॉट करेक्ट, है ना, बट इवन देन वी आर इन्फ्लुएंस्ड. फिर भी हम लोग सोचते कि नहीं, ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे, राइट? हमारे दिमाग में फिर भी चीजें चलती हैं.
For Aung San Suu Kyi, living a dignified human life requires us to be able to overcome such fear. और वही क्योंकि उन्होंने बोला ना that if you want to live a dignified life, you will have to come over, right? Overcome your all kind of fears. तो यहां पर वो वही बता रही है कि अगर आप डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ जीना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके सारे के सारे फियर से आपको ओवरकम करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं उस सारी चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा. राइट, आई होप क्लियर यहां तक. फ्रॉम दीज टू बुक्स, कौन कौन सी टू बुक्स, नेल्सन मंडेला और आंग सान सू की, वी कैन सी द पावर ऑफ द आइडियल ऑफ फ्रीडम. आप लोगों को समझ आया ना कि क्या स्ट्रॉन्ग आइडिया फ्रीडम, राइट, कितनी फेमस पर्सनैलिटी को बर्थ दे दिया. An ideal that was the center of our national struggle. और यही तो है ना, आप लोग देखो बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर आप देखते हो इतनी सारी कंट्रीज में रिवोल्ट होते हैं. सो द बेसिक आइडिया वट इज दैट, दैट द फ्रीडम ओनली, है ना, वी हैव स्ट्रगल फॉर 200 years. Why? Because we wanted freedom. तो जब इतनी इंपॉर्टेंट है तो आप लोग क्या देख रहे हो कि एवरी कंट्री स्ट्रगलिंग फॉर दैट ओनली, एवरी पर्सन इज स्ट्रगलिंग फॉर दैट ओनली, राइट. अब उसके अलावा ऑफ द पीपल ऑफ एशिया एंड अफ्रीका अगेंस्ट ब्रिटिश फ्रेंच एंड पोर्टुगीज कॉलोनियलिज्म, हम लोग यही तो कर रहे थे ना, क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई, बिकॉज इट वाज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई वी वर फाइटिंग विद दीज काइंड ऑफ पर्सनालिटीज, राइट. आई होप नाउ इट्स क्लियर. अब फिर देखो, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज फ्रीडम. अभी तक आप लोगों ने स्टडी किया आइडियल ऑफ फ्रीडम, है ना, क्या आइडियल क्या होता है, आदर्श में क्या होता है, राइट right? अब रीड करोगे व्हाट इज फ्रीडम, अब वो फ्रीडम है क्या. फाइन, अब लेट अस हैव अ लुक ओवर इट फर्स्ट, लेट अस डू इट. कैन यू थिंक ऑफ समवन इन योर विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट हु हैज स्ट्रगल्ड फॉर हिज और हर ऑन फ्रीडम और द फ्रीडम ऑफ अदर्स. क्या आपको इसको एग्जांपल देखने को मिलता है कि जहां पर आपको क्या करना पड़, क्या देखना पड़ रहा है कि आप किसी पर्सन को, किसी कम्युनिटी को अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है. Write a short note about that person and the particular aspect of the freedom which he or she struggled to protect. उनके बारे में आप लिख सकते हो कि उन्होंने किस चीज के रिगार्डिंग वर्क किया, कौन से फ्रीडम के एस्पेक्ट के रिगार्डिंग उन्होंने फाइट की, राइट. नाउ वी आर कमिंग ऑन व्हाट इज फ्रीडम, है क्या ये फ्रीडम जिसके बारे में आप इतने आइडियल से बात कर रहे हो कि ये फ्रीडम है, वो फ्रीडम है, अब वो है क्या एक्चुअल में, राइट. अ सिंपल आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट इज फ्रीडम इज द एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स. आपसे पूछा था कि फ्रीडम क्या है, आप ये बोलोगे कि जो मैं चाह रहा हूं वो मैं कर रहा हूं, वही फ्रीडम है. आप लोग यही सोचोगे ना, दैट व्हाट एवर आई वांट टू डू आई कैन डू, दैट इज माय फ्रीडम. कोई मेरे से पूछे ना, बॉयज का सोचते अगर मैं घर पे लेट आ रहा हूं तो कोई मेरे से ना पूछे व्हाई आर यू लेट, है ना. मैं पढ़ू ना पढ़ू कोई मेरे से ये ना बोले कि यू विल हैव टू रीड, बेटा पिक योर बुक, दैट इज फ्रीडम. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज फ्रीडम, व्हेन नो वन इज आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम यू, नो वन इज क्वेश्चनिंग फ्रॉम यू, कोई आपके ऊपर रेस्ट्रेन नहीं है, आप पढ़ो ना पढ़ो, आप कुछ करो चाहे आप कुछ स्कूल जाओ ना जाओ, नो वन इज आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम यू, दैट इज अकॉर्डिंग टू कॉमन कंसेंस हम लोग यही फ्रीडम मान के चलते हैं. बट क्या यही फ्रीडम होती है? अब देखो, फ्रीडम इज सेट, अब क्या है फ्रीडम, फ्रीडम इज सेट टू एग्जिस्ट व्हेन एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट ऑन द इंडिविजुअल आर एब्सेंट. हम लोग यही फील करते हैं कि कोई एग्जिस्ट नहीं करता आपके ऊपर, कोई एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई आपको फोर्सफुली कोई वर्क नहीं करवा रहा है ना. जब उन सभी की एब्सेंस हो जाए तब हम उसको क्या कंसीडर करते हैं कि ये फ्रीडम है भाई, राइट. इन टर्म्स ऑफ दिस डेफिनेशन एन इंडिविजुअल कुड बी कंसीडर फ्री इफ ही और शी इज नॉट सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल कंट्रोल और कंसर्न और कर्सन एंड इज एबल टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन एंड एक्ट इन द ऑटोनॉमी इन द ऑटोनॉमस वे. इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या समझा कि क्या हुई फिर फ्रीडम? जब आप फ्री हो, आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है, यू आर एबल टू मेक योर ऑल ऑफ द डिसीजंस ऑन बाय ओन, राइट, इन कंप्लीटली ऑटोनॉमस मैनर, राइट. सो अकॉर्डिंग टू द जनरल कंसेंस दिस इज द फ्रीडम, गेटिंग माय पॉइंट. हाउएवर एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स इज ओनली वन डायमेंशन ऑफ फ्रीडम. क्या आपको नहीं लगता कि अधूरी डेफिनेशन है? अगर आप ये बोल दो कि मैं जो चाहूं ना वही करूं, फिर तो जो सामने वाला चाहेगा वो भी वही करेगा ना, देन हु विल जज हु इज रैशनल, बिकॉज ऑल आर फ्री टू डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, देन देयर विल बी नथिंग ना विच कैन चेक कि यस दिस इज रैशनल दिस इज नॉट रैशनल, राइट. तो व्हाट इज दिस, दिस इज ओनली वन डायमेंशनल व्यू, दिस इज वन डायमेंशन ऑफ फ्रीडम,
जब आप बोलते हो ना कि हम फ्री हो जाएं, हम जो चाहे वही करें, देर इज नो एनी काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग ऑन अस, दैट इज द वन डायमेंशन, राइट. फ्रीडम इज ऑल्सो अबाउट एक्सपेंडिंग द एबिलिटी ऑफ पीपल टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड डेवलप देयर पोटेंशियल. इस बात में कोई शक नहीं है. वट इज फ्रीडम? इट इज द एबिलिटी, इट इज द पोजिशन इन विच यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ कंप्लीटली एंड यू कैन डेवलप योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल. आप में जितना पोटेंशियल उसके अकॉर्डिंग खुद को डेवलप करो ना. नो वन इज डिनाइंग यू फ्रॉम दैट. डू अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल कैपेबिलिटी, डू अकॉर्डिंग, डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर कैलिबर. फ्रीडम इज द सेंस इन द कंडीशन इन विच पीपल कैन डेवलप देयर क्रिएटिविटी एंड कैपेबिलिटीज. क्या है फ्रीडम? एक वो कंडीशन जिसमें आप क्या बताते हो, जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी कैपेबिलिटी को इनहेंस कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो. ऐसी कंडीशन को जनरेट कराती है फ्रीडम. समझ आया? राइट. बोथ दीज एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम, द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट एज वेल एज द एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन इन विच पीपल कैन डेवलप देयर टैलेंट्स. देखो यहां पॉजिटिव मैनर में बात कर रहे हो क्या, कि आप ऐसी पोजीशन दो, ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड कराओ जिसमें हर कोई अपने आप को फुल टैलेंट के अकॉर्डिंग, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, कैलिबर के अकॉर्डिंग डेवलप कर सकता है. और वही इंपॉर्टेंट है. अ फ्री सोसाइटी वुड बी वन विच इनेबल्स ऑल इट्स मेंबर टू डेवलप देयर पोटेंशियल विद ऑल द मिनिमम ऑफ सोशल कंस्ट्रेंट. और फिर हम लोग क्या सोचते हैं कि फ्री सोसाइटी कैसी होगी? एक फ्री सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जो क्या इनेबल करे, जो ये इनेबल करे कि उसके जितने भी मेंबर्स है ना, वो खुद को अपने फुल पोटेंशियल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग फुली डेवलप करे एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ सोशल कंस्ट्रेंट. ऐसा नहीं कि एब्सेंस हो, क्या होनी चाहिए, बट मिनिमम होने चाहिए. अगर ज्यादा से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगेंगे देन पीपल विल नॉट बी एबल टू एंजॉय, राइट. सो वट शुड बी देयर? इट शुड बी प्रोवाइडेड, द बेसिक फैसिलिटी शुड बी देयर दैट पीपल कैन डेवलप देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर फुल पोटेंशियल. But what should be there? There should be minimum restrictions also, right? No individual living in the society can hope to enjoy total absence of any kind of constraint or restrictions. और कोई भी ऐसी society नहीं हो सकती, कोई भी ऐसा person नहीं हो सकता जो society में रहे और वो completely absence को accept करे और वो hope करे कि नहीं कुछ नहीं होना चाहिए, कोई restriction नहीं होनी चाहिए, कोई boundation नहीं होनी चाहिए मेरे ऊपर, तो उसकी completely absence हो जाए. ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है. अगर ऐसा हुआ तो ऑफ कोर्स इट विल क्रिएट अगेन द सिचुएशन माइट इज राइट. जो पावरफुल है उसी का कंट्रोल हो जाएगा. अगेन द वीक पीपल विल हैव टू सफर, पुअर पीपल विल हैव टू सफर, वल्नरेबल सेक्शंस विल हैव टू सफर, राइट. इट बिकम्स नेसेसरी दैन टू डिटरमाइन विच सोशल कंस्ट्रेंट्स आर जस्टिफाइड एंड विच आर नॉट. अब फिर क्वेश्चन ये है, जब हम बोलते हैं कि कंस्ट्रेंट्स लगने चाहिए, राइट, तो फिर वो कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं जिनको आप बोलते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये जस्टिफाइड है? कौन से जस्टिफाइड नहीं है? क्योंकि आप लोगों ने यहां पर पढ़ा दैट वी विल हैव सम काइंड ऑफ मिनिमम कंस्ट्रेंट्स, लेकिन वो मिनिमम है क्या? कौन से कंस्ट्रेंट्स ऐसे हैं जिनको आप बोलोगे यस दीज आर रैशनल, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूं, राइट. कौन से वो कंडीशंस हैं जो डिटरमाइन करते कि ये है भाई, ये रैशनल है, ये जस्टिफाइड है, और कौन से जस्टिफाइड नहीं है? Which are acceptable and which should be removed? कौन से acceptable हैं जिनको आप accept करते हो society में, yes ये restriction तो होना चाहिए, और कौन से जिनको remove कर देना चाहिए? To understand which social constraints are necessary, discussion on freedom need to look at the co-relationship between the individual and the society or group, community or the state. और यही check करने के लिए बार बार कि कौन से constraints जरूरी हैं, किनको आप लगाओ, किनको remove कर दो, उसके लिए क्या है, बार बार डिस्कशन जरूरी है. अगेन एंड अगेन डिस्कशन शुड बी देयर कि इंडिविजुअल का सोसाइटी का क्या कनेक्शन होना चाहिए, क्या लिंक होना चाहिए, राइट, विद इन विच शी और ही इज प्लेस्ड. दिस इज वी नीड टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. और यही एग्जामिन करना है आपको कि सोसाइटी का और इंडिविजुअल का क्या रिलेशनशिप है. मतलब क्या समझ आया? अब देखो सोसाइटी में तो आप जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स रह रहे हैं ना, देन यू विल से कि नहीं मेरी तो ये फ्रीडम है भाई, आप इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, तो आप जैसे तो क्या पता कितने लोग रह रहे हैं ना, तो क्या रिलेशनशिप होना चाहिए? अब अगर आप वो बोलोगे तो सामने वाला भी तो यही बोलेगा ना, देन देयर विल बी नो एनी काइंड ऑफ बैलेंस, राइट, एंड अगेन द सिचुएशन विल बी प्रॉब्लमेटिक.
इसलिए क्या होना चाहिए, ये चेक होना चाहिए कि कौन से रेस्ट्रिक्शंस पॉजिटिव हैं, कौन से रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो सकते हैं, कौन से हैं जो लगाए जा सकते हैं और कौन से जिनको रिमूव करना है. इट मीन्स व्हाट इज द कंडीशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, दैट इज इंपॉर्टेंट इन फ्रीडम. गेटिंग माई पॉइंट? वी शुड नीड टू सी विच फीचर्स ऑफ द सोसाइटी अलाव द इंडिविजुअल द फ्रीडम टू चूज. अब क्या है, हमें अब हमें जरूरत है क्या करने की, कि कौन से फीचर है सोसाइटी के, क्या कि वो कौन से जो इंडिविजुअल को अलाव करते अपनी फ्रीडम को चूज करने के लिए, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डिसाइड करने के लिए, एक्ट करने के लिए, और कौन से हैं जो हमें मना करते कि नहीं भाई आप ये नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल देखते हो ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उस चीज का कि फ्रीडम कैसे दी जानी चाहिए. You are able to see in our constitution we are having right to freedom, right to liberty, right? जिसमें आप लोग क्या देखते हो, आपको कई टाइप की लिबर्टी गिवन है, कई टाइप की फ्रीडम गिवन है, राइट? लेकिन क्या वो लिबर्टी क्या है, आप क्या उस पर कंप्लीटली बाउंडेशन फ्री हो? दैट्स नॉट पॉसिबल. आपको फ्रीडम है दैट यू कैन स्पीक, यू कैन एक्सप्रेस योर आइडियाज, बट यू कैन नॉट एक्सप्रेस दैट व्यू इन विच योर वॉइस क्रिएट एनी काइंड ऑफ danger to the unity and integrity of the nation. You can adopt any occupation, but there should be no human trafficking, right? You can keep yourself, you can collect, people can collect, right? People can gather at a particular place, but without arms. Getting my point? कि अब देखो क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी में चीजों को ऐसे वे में जस्टिफाई करना पड़ेगा, so that the people can check that yes, it is fine, I will have to accept it, because सामने वाला भी इसको accept किए हुए है ना भाई. Then I will also have to accept it, right? We would need to determine which features are desirable. कौन से फीचर जो desirable हैं, जो आपको चाहिए, ये चीज required हैं, और कौन से हैं ही नहीं. Which should be removed and which should not. कौन सी restrictions ऐसी जो remove हो जानी चाहिए और कौन सी नहीं हो जानी चाहिए. Further, we need to see if the principles which we use to differentiate necessary from the unnecessary constraints also apply to the relationship between individual and the group and the nations. अब वही क्या है, जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो ना कि क्या नेसेसरी है, क्या अननेसेसरी है, कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं जो लगने चाहिए इंडिविजुअल के ऊपर, ग्रुप्स के ऊपर, नेशंस के ऊपर, वही सारी चीजें, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? तो जब रेस्ट्रिक्शंस की बात करते हो, बट वो रेस्ट्रिक्शंस कैसे होते हैं, दीज रेस्ट्रिक्शंस आर पॉजिटिव ओनली, राइट? अब आई थिंक आप लोगों को एक बात समझ आई कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता आप जो चाहो वो कर दो, रेस्ट्रिक्शंस फ्री दैट इज नॉट फ्रीडम. आई थिंक ये आपको क्लियर है. अब फाइन, अब देखो, दस फार वी हैव डिफाइंड फ्रीडम एज द एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट. टू बी फ्री मींस टू रिड्यूस और मिनिमाइज सोशल कंस्ट्रेंट दैट लिमिट योर एबिलिटी टू मेक चॉइसेस फ्रीली. यहां तक आपको क्या समझ आया, आपने डिफाइन किया कि यस फ्रीडम होनी चाहिए एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट, बट वो एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट कैसी होनी चाहिए कि जब रिड्यूस हो जाए चीजें कंस्ट्रेंट्स हैं, ताकि आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क कर सको. अगर कोई सर पे बंदूक खड़े रखेगा, तान के खड़े रखेगा, विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, राइट? तो आपको ऐसी पोजीशन तो दो कि आप लोग अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क कर सको, कुछ चूज कर सको फ्रीली. हाउएवर, दिस इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम. लेकिन ये भी क्या है, आपका वन एस्पेक्ट है. टू पुट इन अनदर वे, फ्रीडम ऑल्सो हैज द पॉजिटिव डायमेंशन. अब पॉजिटिव क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था ना पॉजिटिव नेगेटिव, अब वो पॉजिटिव डायमेंशन क्या है. To be free, a society must widen the area of which individuals, group, communities or nation will be able to charter their own destiny and be what they wish to be. Free का मतलब कोई individual है, चाहे कोई group है, कोई community है, कोई nation है, उनका अपना खुद का एक charter बनाने के लिए वो able होने चाहिए, ताकि वो अपने destiny को design कर सके, वो क्या करना चाहते हैं, क्या वो बनना चाहते हैं. Freedom is a sense allows the full development of the individual creativity. मतलब फ्रीडम आपको कभी ये नहीं बोलेगी कि आप ताकि अपना डेवलपमेंट ही ना करो, वो है फ्रीडम, दैट्स नॉट फ्रीडम. फ्रीडम आपको हमेशा वो चीजें प्रोवाइड करवाएगी ताकि आप फील कर सको, आप फ्रीली फील करो, आपकी क्रिएटिविटी फुली डेवलप हो सके, आपकी सेंसिबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटीज वो फुली डेवलप हो सके, राइट? बी इन द स्पोर्ट्स, साइंस, आर्ट्स, म्यूजिक और एक्सप्लोरेशन, किसी में भी आप जाओ, वहां पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेंगे, आपको फुली फ्री फील कराया जाएगा. आ फ्री सोसाइटी इज वन that enables one to pursue one's interest with a minimum of constraints. और free society कैसी होगी, जो आपको आपके decisions को, आपकी capability के caliber को वो develop करवाए minimum constraints के साथ. Freedom is considered valuable because it allows us to make choices and to exercise our judgment.
और फ्रीडम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही तो आपको बताती है ना कि आप चॉइसेस कैसे बनाओगे, कैसे आपकी जजमेंट को एक्सरसाइज करने वाले हो. इट परमिट्स द एक्सरसाइज ऑफ द इंडिविजुअल पावर टू रीजन एंड जजमेंट. और उसके अलावा आपको क्या करती है, अभी आपके अंदर एक ऐसी, देखो अगर आप अपने फुल पोटेंशियल के साथ वर्क कर रहे हो तो व्हाट यू विल बी एबल टू डू, आप अपनी फुल पावर लगाओगे ना रीजन के लिए, लॉजिक के लिए, सो दैट यू कैन फाइंड व्हाट इज रियल, व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज द नीड, व्हाट शुड बी डन, राइट. तो आपकी रीजन करने की कैपेसिटी जजमेंट की कैपेसिटी को इनहेंस करेगी, राइट. आई होप ये आपको समझ आया. अभी तक आप लोगों को ये आई थिंक इतना क्लियर हुआ कि फ्रीडम ये नहीं है कि आपकी फ्रीडम के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस ही ना लगे. अब आपको इतना जरूर समझ आया, जब आप बात करते हो फ्रीडम तो देयर शुड बी सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, आई थिंक ये समझ आया. फाइन, दिस इज द डायमेंशन. ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द सोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स एंड दिस पैराग्राफ दैट इज रिलेटेड टू महात्मा गांधी आइडिया ऑफ स्वराज, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. I hope every word is clear to all of you. You are able to understand. Chapter is quite interesting, right? If you are able to understand, you can express it. That is the beauty of this particular book, right? I hope every word, every term is clear to all of you. But if you are having any kind of doubts and queries, feel free to ask your doubts in comment section. We will meet in next video with the next topic. Till then, try to revise everything. And if you are able to understand the chapter, please press the like button and subscribe the channel as well. Right? We will meet in next video. Till then, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.